फ्रेंड्स, फूडी मुड़ी विद दीप्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी। ये पालक पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 मीडियम प्याज, 1 टमाटर, 8-10 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार, 2 तेज पत्ता और गरम मसाले में 1 दालचीनी और 3 हरी इलायची, कर्ड हमें चाहिए 4 टेबलस्पून, पालक के पत्ते चाहिए 250 ग्राम, पनीर के पीसे चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई में हमें ऑयल गरम करना है, ये मस्टर्ड ऑयल है। इस ऑयल में हमें पनीर के पीसेस को फ्राई करना है, जस्ट हल्का ब्राउन करना है। जैसे ही दोनों साइड से हल्के ब्राउन हो जाएंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे। सेम इसी ऑयल में हमें लहसुन की कलियां डालनी है और थोड़ा सा चला लेंगे इसे हम। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक के टुकड़े, प्याज के टुकड़े, ये सब रफली चॉप है, टमाटर के टुकड़े, इसे चला लेंगे थोड़ी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे पालक के पत्ते, अब हमें इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है और तब तक चलाना है जब तक कि पालक के पत्तों से जो निकला हुआ रस है वो सूख ना जाए। जैसे ही पानी थोड़ा सा सूख जाएगा, पालक थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करके हमें इसको ठंडा करना है। अब हम इसे मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून कर्ड को ऐड करके इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे हम। सेम उसी कढ़ाई में हमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने घी ऐड किया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 2 तेज पत्ता और जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसे जीरे को थोड़ा सा भुनने देंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, जीरा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें हमारा जो पेस्ट हमने बनाया था, प्याज टमाटर पालक सबका मिक्स, वो हम मिक्स कर लेंगे इसमें। बाकी बचा हुआ मसाला उसको भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए हमें भूनना है।
इसमें अब हम ऐड कर रहे सूखे मसाले, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसे इसमें हमें हाफ कप पानी ऐड करना है। अगर आप ग्रेवी थोड़ी पतली करनी चाहते हैं तो इसमें और थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इसे ढक के हमें 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट के बाद ग्रेवी में से ऑयल निकलने लगा है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छे से उलट पुलट के पनीर को ग्रेवी में मिक्स करना है, जिससे पनीर में सारे मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हमें जो हमने दालचीनी और इलायची थी उनका एक क्रश करके एक पाउडर बनाया है, उसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब इसे 1-2 मिनट के लिए और भूनना है ढक के बिल्कुल सिम आंच पे, क्योंकि मसाले गरम मसाला जो है वो ग्रेवी में जिससे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारी सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।